हाय एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर करना है। ये नोटिफिकेशन रिलेवेंट है जो पेशेंट्स, जो लोग आजकल कोविड की परेशानी से जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी इनकम टैक्स एक्ट में नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, दोनों के लिए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का सब्जेक्ट है, नाउ कैश पेमेंट अप टू रुपीज 2 लाख और अबव अलाउड फॉर द कोविड ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सेक्शन का हल्का सा रेफरेंस देना चाहूंगा। सेक्शन है 269 एसटी। ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख और अबव, कोई भी पर्सन 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इन रिस्पेक्ट फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर दिन में या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड। यानी कहने का क्या मतलब है, आप गोल्ड परचेज करने जाओगे तनिष्क के शोरूम पे, तो तनिष्क वाला आपसे कहेगा, सर मैं केवल 2 लाख कैश में ले सकता हूं, इससे ऊपर तो आपको या तो NEFT या फिर चेक के द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इन द सेम वे, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस हॉस्पिटल वाले भी 2 लाख रुपए तक तो ले लेते हैं कैश में, उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनिकली वे से चेक या फिर एनी अदर मोड लेते हैं, अदर देन कैश मोड लेते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 269 एसटी। अगर ऐसा वो नहीं करते तो 271D का उनके ऊपर पेनल्टी है। ठीक है जी। कितना जितना उन्होंने अमाउंट रिसीव्ड करा उतने का ही पेनल्टी है। अब इस डिफिकल्टीज, आपको पता है कोविड की डिफिकल्टीज आ रही है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ नोटिफिकेशन अनाउंस किया है। कल यानी 7 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 56/2021, राइट। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट बोला है। ठीक है जी, ये 269 एसटी सेक्शन का प्रोवाइजो है, यानी उसको ओवररूल करता है 269 एसटी को। ये कहता है हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर सेंटर्स या फिर सिमिलर अदर मेडिकल सेंटर्स, वो क्या कर सकते हैं, वो कैश को एक्सेप्ट कर सकते हैं अबाउट 2 लाख रुपीज, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोवाइजो है। ठीक है ना। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, फॉर द कोविड ट्रीटमेंट ओनली। ये सेक्शन आने के बाद कुछ मैसेजेस आए मेरे पास सीएस लोगों के, कि भाई अब तो यार 269 एसटी की जो डिफिकल्टीज थी वो रिमूव हो गई है। तो मेरे को प्राइमर फेस से देख के लगा, यार ये कैसे हो गया, तो वहां पे लिखा आया फॉर द कोविड ट्रीटमेंट्स। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली, ये जो केवल जो हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स केवल कोविड पेशेंट्स के रिस्पेक्ट में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं को ही केवल यहाँ पे इस सेक्शन में रिलैक्सेशन दिया गया है, इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। आई होप ये जानकारी आपको रेलिवेंट लगी होगी, और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए। थैंक यू सो मच।